महाराष्ट्र मुंबई में चुनावी दौर शुरू हो चुकी है। महानगर पालिका के चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। सभी पार्टी के कैंडिडेट अपने अपने फॉर्म जमा करने के लिए इलेक्शन ऑफिस में आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, वार्ड नंबर 155 से सुमन रोसिया जी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या समस्या लोगों की है, किस तरह उसका हल निकालेंगे, क्या जनता के बीच जा रहे हैं, क्या मसला लेकर जा रहे हैं, क्या कहेंगे। आप कांग्रेस पार्टी के कर्मठ नेता हैं, क्या समस्या लोगों की है, किस तरह उसको जीतने के बाद निकालने की कोशिश करेंगे हल करने की। देखिए, पहले तो अभी मुझे टिकट मिलना बाकी है, ये भी फॉर्म मिलेगा, उसके बाद में मैं लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। मेरी जिंदगी के अंदर अभी 72 चल रहा है मेरा, और इस समय के अंदर मैंने पूरा कांग्रेस को अपना योगदान दिया है, और कांग्रेस के नगर सेवक MLA MP इनके जो वर्क देखे हैं मैंने, इनको चुन के लाने में मेरा योगदान रहा है। तो ये सारी बातें जो देखते हुए मुझे पब्लिक के अंदर जो दुख है या पब्लिक के कोई समस्या है, ये समस्या दूर करने के लिए BMC के अंदर एक नगर सेवक नगरपति चुन के जाता है, तो उसकी एक ड्यूटी रहती है कि रोड, गली और गटर और समस्याएं कई है, समस्या का कोई निवारण के लिए एक बंधन नहीं है। फिर भी जैसे जैसा समय के अंदर जहां दिक्कत आती है वो दिक्कत को दूर करना, रोड के अंदर, गटर में और बिल्डिंग बनती है जहां लोगों को तकलीफ हो जाती है, जहां झोपड़पट्टी है, जहां झोपड़पट्टी के अंदर कोई दिक्कत रहती है, झोपड़पट्टी की गलियां बराबर नहीं है, उसके व्यवस्था नल की नहीं है, पानी की नहीं है, उनके वो बाकी की व्यवस्था पूरी नहीं मिलती है WC की, ये व्यवस्थाओं के ऊपर ध्यान दे के ये प्रोजेक्ट जो भी होते हैं वो प्रोजेक्ट बहुमत में ला के पब्लिक के लिए, सेवा के लिए अपन यहाँ लगाने का प्रयत्न करेंगे। और हमारा ये है कि जिंदगी के अंदर हमने जो हर एरिया के अंदर काम किया है, चेंबूर के अंदर कई वार्ड जो ऐसे हैं जिसके अंदर काम किया और कांग्रेस आई का ऑब्जर्व भी रहा लास्ट 12 वर्ष में, तो अभी कांग्रेस पार्टी ने सोचना है कि जो सीनियर वर्कर है और पब्लिक के अंदर जो उतरा था, पब्लिक के अंदर जिसकी छवि है, उस आदमी को टिकट देना चाहिए, ये पब्लिक हमारा कहना है। तो हमारे पक्ष से हमारी विनती है कि आप हमें टिकट देंगे तो हम पक्ष को मजबूत करने के लिए और लोगों की समस्या दूर करने के लिए यहाँ हम काम करेंगे, ऐसी शुभेच्छा देते हुए सब पब्लिक को मेरा दो शब्द जो बोलने को दिया इसके लिए धन्यवाद, आभार। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 70 साल कांग्रेस पार्टी को देने के बाद भी अभी तक टिकट मांगने में पड़े हैं, अभी तक कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया नहीं है, लेकिन अगर 70 साल का एक्सपीरियंस इनके पास है तो कांग्रेस पार्टी को इनको टिकट देनी चाहिए, तब जाके ये जनता के बीच जाके जनता का जो समस्या है उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे, उसका जो निवारण करने की कोशिश करेंगे, जो लोगों के बचे कुछ काम है, जो वहां की गटर, पानी, लाइट की समस्या है उसे हल करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन आनंद के साथ राज पांडे, CNews मुंबई।